दोस्तों अब हम ये बातें क्यों ना कहें कि भैया इस सदी में तो खिलाड़ी कुमार के अपोनेंट उनका मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर जीते जी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों क्यों कही है मैंने ये बात, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई पीडी कुमार, अक्षय कुमार के सुपर डुपर हिट फिल्म बेल बॉटम से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों असली खिलाड़ी किसको कहते हैं जो हारी हुई बाजी आपको जीत कर दिखाए। और दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में अगर ऐसा कोई खिलाड़ी है तो वो है हम सब के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार। यानी कि इन दिनों बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार घबरा के अपने बिलों में दुबे पड़े बैठे हैं और उस वक्त खिलाड़ी कुमार अकेले बॉक्स ऑफिस पर डटे हुए हैं ये कहते हुए कि वो बॉक्स ऑफिस का अच्छा दिन वापस लाकर रहेंगे अपने फिल्मों के माध्यम से। यानी कि भैया जब बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार अपनी फिल्मों को सिनेमाघर में रिलीज करने से कतरा रहे हैं, उस परिस्थिति में जिस तरीके से खिलाड़ी कुमार की फिल्म यानी कि बेल बॉटम ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है ना, तो भैया उसको देखने के बाद मैं ये बात खुद से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो कलेक्शन रिपोर्ट हम लोगों के सामने आया है ना, वो मैं मानता हूं कि 280 करोड़ 47 लाख रुपए का है। यानी कि भैया मेरे हिसाब से इस फिल्म ने जो बिजनेस किया है वो 280 करोड़ 47 लाख से कम नहीं है। तो भाई इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि बेल बॉटम को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं। यानी कि भैया आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 19वां दिन है। यानी कि इस फिल्म ने पहले वीक जो बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन किया था वो था 19 करोड़ 40 लाख रुपए का। उसके बाद सेकंड वीक को इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 7 करोड़ 35 लाख रुपए का। और भाई इस फिल्म ने तीसरे वीकेंड में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 1 करोड़ 72 लाख रुपए का। यानी कल इस फिल्म ने 88 लाख रुपए का बेहतरीन बिजनेस करते हुए इस बात की जानकारी पूरे बॉलीवुड को दे दी है कि भैया उनका जो विजय रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, वो रुकने वाला नहीं है। यानी कि भैया ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी और उसके साथ ही ये मैसेज बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को दे देगी। यानी कि भैया अच्छे दिनों में तो अच्छा कोई भी खेल कर दिखा सकता है, लेकिन बुरे वक्त में जो अच्छा खेल कर दिखाए वही असली खिलाड़ी कुमार होता है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि खिलाड़ी कुमार की इस फिल्म यानी कि बेल बॉटम ने बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ 47 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया और इस बिजनेस को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये 28 करोड़ 280 करोड़ से कम नहीं है? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा, क्योंकि भैया इन दिनों सिनेमाघर में लोग जाने से कतरा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी कुमार की इस फिल्म ने लोगों को मजबूर किया है सिनेमाघर तक आने के लिए। यानी कि अभी भी लोग इस फिल्म को सिनेमाघर में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या कहें, कोरोना का भय जो है वो हम सभी के दिलो दिमाग पर चढ़कर बैठा हुआ मेरे भाई, ये बात भी सच है। लेकिन खिलाड़ी कुमार ने जो जज्बा दिखाया है एक बार फिर से बॉलीवुड को रिवाइव करने का, तो भैया वो जज्बा केवल उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।